गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 15 का एक टॉपिक कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या फार्मूला नोट करेंगे कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस किस तरीके से फाइंड करना है। तो वेरिएंस का फार्मूला और स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला दोनों एक ही है, ठीक है। बस वेरिएंस में हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। वेरिएंस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, उसका स्क्वायर, या तो आप पहले इसको नोट कर लो या स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस के लिए फार्मूला देखो, वेरिएंस ये जो फर्स्ट फार्मूला हम लिख रहे हैं ये किसके लिए है, एकदम नॉर्मल जो केवल डेटा हमें गिवन है, टेबल के रूप में डेटा गिवन है उसके लिए नहीं है, नॉर्मल जो डेटा गिवन है उसके लिए है। तो सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा से शो करते हैं, ठीक है, सिग्मा से शो करते हैं, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला 1 अपॉन n समेशन i इक्वल टू 1 टू n xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। x बार का क्या है यहाँ, x बार इक्वल टू मीन, x बार क्या है, मीन, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या फाइंड करना पड़ेगा, मीन, जो भी डेटा गिवन रहेगा उसका मीन फाइंड करेंगे और इस बार में प्रूव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेरिएंस मिलेगा, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस होता है, सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन शॉर्टकट एसडी लिख रहे हैं ना, एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन, ये क्या होता है, सिग्मा होता है, केवल सिग्मा, ये सिग्मा स्क्वायर है। तो सिग्मा कैसे फाइंड करेंगे, पूरा अंडर रूट हो जाएगा उसका पूरी वैल्यू, तो अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन n समेशन i इक्वल टू 1 टू n xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, ठीक है, xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा देखो, ये होल स्क्वायर है तो क्या इसको हम लोग अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं, पहले क्या लगा है, समेशन, समेशन का मीनिंग क्या होता है, ऐड का, उसके बाद क्या है बोल रही है, होल स्क्वायर, तो ये अंडर रूट से बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि समेशन का मीनिंग होल स्क्वायर तो केवल इसका है, समेशन का होल स्क्वायर है क्या, नहीं, समेशन का होल स्क्वायर नहीं है। तो अगर केवल इसका होल स्क्वायर है तो अगर दो नंबर का होल स्क्वायर ऐड करेंगे तो जरूर नहीं है वो किसी नंबर का स्क्वायर हो, यहाँ समझो, एक पहले एग्जांपल से कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ समेशन लगा है इसलिए स्क्वायर तो अंडर रूट से बाहर नहीं निकलेगा। देखो मैं एक नंबर लेता हूँ 2, एक नंबर ले रहा हूँ 3, 2 का स्क्वायर, समेशन मतलब ऐड करना ना, बाद में ऐड करेंगे, प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 9 कार्टेशियन रूप से बाहर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, समेशन है, समेशन का मीनिंग क्या करना है, जो भी नंबर आएगा इसका उसको ऐड करना है, स्क्वायर तो है लेकिन उसको ऐड करने के बाद समेशन लगा है तो हम लोग उसको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला यही रहेगा डायरेक्ट, ठीक है, तो इसको नोट कर लो। अब हम लोग देख रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन पावर, नोट कर लें दोनों फार्मूला नोट कर लो, उसके बाद और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस किससे बनता है, केवल मीन से, वो मीडियन से नहीं बनता है। तो ये नोट कर लिया। अब सेकेंड देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर डिस्क्रीट डेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर डिस्क्रीट डेटा, डिस्क्रीट डेटा किसको बोलते हैं हम लोग, डिस्क्रीट डेटा जो हम लोग को x और f के रूप में गिवन होता है, x और f के रूप में xi fi बोल सकते हैं, यहाँ कुछ नंबर दिया है 1 2 3 5 कुछ
भी ऐसे ही, ठीक है, ऐसे, और उसका फ्रीक्वेंसी दिया है कि वो कितने टाइम्स है, 2 times, 3 times, 4 times, 8 times, इस तरीके का जो डेटा होता है उसको डिस्क्रीट डेटा बोलते हैं, ठीक है। तो अगर डिस्क्रीट डेटा आएगा तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन अलग तरीके से, जो पहला फार्मूला बताया वो किसके लिए था, केवल नॉर्मल डेटा के, जैसे मैं आपको बोल दिया कि आप लोग क्लास में कितने कितने नंबर पाए हो, उसका अगर हमें मीन डेविएशन फाइंड, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, वो डेटा क्या होगा, नॉर्मल डेटा होगा। ये डिस्क्रीट डेटा होगा जब इसमें एक ही नंबर पाने वाले दो स्टूडेंट, ठीक है, इसका ग्रुपिंग किया जाता है, एक ही नंबर पाने वाले, तो इसको ग्रुप डेटा नहीं बोलते हम लोग, डिस्क्रीट डेटा बोलते हैं। ग्रुप डेटा कब बोलते हैं, जब क्लास इंटरवल हो, ठीक है। तो ये अनग्रुप, हाँ अनग्रुप भी बोल सकते हैं, ठीक है, अनग्रुप डेटा, लेकिन इसमें और उस नॉर्मल वाले को भी अनग्रुप बोल देते हैं, दोनों मतलब अनग्रुप्ड में आते हैं, जो पहला हम लोग लिए थे नॉर्मल वो भी अनग्रुप। तो डिस्क्रीट डेटा समझ में आ रहा है, किस तरीके से हम लोग बताएंगे ये डिस्क्रीट डेटा के लिए। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का, एस डी इक्वल टू अंडर रूट समेशन, वही सिग्मा से ही हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, अंडर रूट 1/n, कैपिटल एन बोल रहे हैं या स्मॉल एन, वही है नंबर ऑफ, कितने नंबर्स हैं वही, समेशन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई, इसमें मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, एफ आई, ठीक है, मीन डेविएशन में हम लोग जो पढ़े थे, और यहाँ क्या होगा, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें बस पहले फार्मूले में एफ आई नहीं था, यहाँ एफ आई से मल्टीप्लाई हो, तो एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और एक्स बार यहाँ भी क्या है, एक्स बार क्या है, मीन। तो ये किसके लिए है, डिस्क्रीट डेटा के लिए, ये जो फार्मूला हम लोग लिखे डिस्क्रीट डेटा के, और एन मतलब वही है ना कि उसके पूरे एफ आई का सम, एन कैसे फाइंड करते थे हम लोग, समेशन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई, ये एन, ठीक है। पहले वाले में एन क्या था, नंबर काउंट कर सकते हैं कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है, 14, तो 14 n हो गया, लेकिन जब इस तरीके से दिया रहेगा तो उसमें हम लोग को समेशन एफ आई फाइंड करना होगा, और एफ आई क्या रहेगा हमारा, कैपिटल, इसीलिए इसको कैपिटल एन कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा, तो एन इक्वल टू समेशन एफ आई, ये भी होता है। ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन का हो गया, वेरिएंस भी फाइंड कर सकते हैं हम लोग, इसका कैसे करेंगे वेरिएंस फाइंड, इसी को स्क्वायर कर देंगे, इसी के स्क्वायर, वेरिएंस इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, प्रैक्टिस अंडर रूट हट जाएगा ना, तो हम लोग एक ही वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, चाहे सिग्मा स्क्वायर, कोई भी, और क्या हो, हाँ एफ आई नहीं था, एफ आई नहीं था, ये ध्यान रखें, डिस्क्रीट के लिए इस तरीके से के। अब ग्रुप डेटा के लिए हम लोग देखते हैं कि ग्रुप डेटा का कैसे होगा, तो वैल्यू बस ग्रुप को हटा देते हैं, हाँ स्क्वायर रूट कर देंगे बस, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर, नोट कर लिया इसका, यस सर, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप डेटा बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी के रूप में जो डेटा रहेगा उसके लिए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला इसके लिए क्या होता है, एस डी इक्वल टू सिग्मा 1/n अंडर रूट, ये थोड़ा सा अलग है, 1/n बाहर भी है, उसके बाद अंडर रूट n समेशन i इक्वल टू 1 to n f i
इनटू एक्स आई स्क्वायर, ठीक है, एफ आई इनटू एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन आई इक्वल टू वन टू एन एफ आई एक्स आई होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें इसको बस थोड़ा सा समझना है कि ये एक्चुअल में क्या है। n तो समझ में आ गया, n क्या है, n इक्वल टू समेशन i इक्वल टू 1 टू n है f i, ठीक है, इसका सम ही क्या है n। अब उसके बाद क्या है f i इनटू x i, f i इनटू x i दैट मींस f i x i का होल स्क्वायर कर रहे हैं, उसके बाद f i में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x i का होल स्क्वायर करके f i में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ क्या है, पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, समेशन भी हो रहा है, फिर उसके बाद उसका स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। इसमें होल स्क्वायर है, मल्टीप्लाई होने के बाद समेशन होने के बाद होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर करके एक्स आई का मल्टीप्लाई करके फिर समेशन फाइंड, ठीक है। तो वो चीज हम लोग टेबल में जो फाइंड करेंगे, जो जो फाइंड कर रहे हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं और इसके बाद वेरियंस का फिर वही हो जाएगा। वेरिएंस का क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर, इसी का स्क्वायर, ठीक है, वो क्या हो जाएगा वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा का जब स्क्वायर तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको फाइंड कर लेंगे, फिर उसके बाद स्क्वायर कर लेंगे आ जाएगा पहले, या फिर इसको फाइंड कर ले उसके बाद अंडर रूट कर दे, दोनों का तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। चलो अब कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज 15.2 का, कौन सा क्वेश्चन करें, एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन कौन सा करें, थर्ड में थ्री कट हम लोग को क्या लिखना है, मल्टीपल लिखना है 10 तक, ठीक है, 30 तक टेबल लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या क्या डेटा गिवन है हमें, 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या फाइंड करना है आपको, मीन, मीन फाइंड करते थे तो आप मीन फाइंड करो, तो मीन इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, इसका नॉर्मल का सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही फार्मूला है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन पूरे का सम करो, 6 + 7 + 10 + 12 + 13 + 4 + 8 + 12 कितना है, 16। और कितना नंबर आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने कहा करेंगे इसका वेरिएंस फाइंड।
फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को वेरिएंस फाइंड करने के लिए बोला गया है, ये नहीं बोला गया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करो। फर्स्ट क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बोला गया, तो हम लोग वेरिएंस डायरेक्ट सिग्मा स्क्वायर डायरेक्ट फाइंड करते हैं। इतना नोट कर लो, उसके बाद सिग्मा स्क्वायर फाइंड करते हैं हम लोग। सिग्मा स्क्वायर का पहले फार्मूला नोट कर लेते हैं हम लोग, उससे पता चलेगा कि आप फाइंड कर रहे हैं। आपके दिमाग में पहले फार्मूला रहना चाहिए ना, वेरिएंस फाइंड करना है तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू क्या फार्मूला है, 1 अपॉन n समेशन i इक्वल टू 1 टू n xi माइनस x बार, xi माइनस x बार होल स्क्वायर। ये फार्मूला है वेरिएंस का, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे हम। ये नोट कर ले मीन सर। अभी देखो हमें क्या फाइंड करना है, एक्स आई माइनस एक्स बार फाइंड करना है, एक्स आई माइनस एक्स बार। तो अगर हम लोग नॉर्मल ऐसे करते रहेंगे तो कितने बार करना पड़ेगा, लगभग 8 टाइम्स है, तो 8 टाइम्स करना पड़ेगा। या आप डेटा बना के करो, डेटा बना के करोगे तो मतलब टेबल बना के, एक्स आई पहले टेबल बना लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद क्या फाइंड करेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार फाइंड करेंगे। और उसका भी क्या चाहिए हमें, स्क्वायर चाहिए ना, तो एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। बस ये तीन चीजें फाइंड करना है। एक्स आई आप नोट कर लो, 6 7 10 12 13 4 8 एंड 12, ये है ना। एक्स बार एक्स आई माइनस एक्स बार फाइंड करना, माइनस करो 6 माइनस 7 कितना रहता है, 8 रहता है, 9 है, 6 माइनस 9 माइनस 3 नहीं मॉड नहीं ठीक है, मॉड नहीं है ना फॉर्मूले में, तो माइनस 3 ठीक है। यहाँ 7 माइनस 9 माइनस 2, 10 माइनस 9 1, 12 माइनस 9 3, 13 माइनस 9 2, 4 माइनस 9 माइनस 5, 4 माइनस 9 8 माइनस 9 माइनस 12 माइनस 9 3 3 ठीक है। अब इस पर क्या कर रहे हैं, स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं, पूरे में से 9 माइनस किए ना, सब में से 9 हम लोग मीन फाइंड किए थे, मीन को माइनस किए, एक्स बार क्या था मीन है, तो एक एक टर्म्स में से 9 माइनस किए, समझ में आ गया। अब इसका क्या लेना है, स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर लेना है, माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर माइनस 5 का माइनस 10 का 3 का स्क्वायर 9 ठीक है। फिर सबका क्या फाइंड करना है, समेशन फाइंड करना है, तो सबका समेशन देखो इसके नीचे भी आपको लिखना है ना, समेशन i इक्वल टू 1 टू n की वैल्यू क्या है, 9 था कि 8 था ना, i इक्वल टू 1 टू 8 एलिमेंट है ना, 8 एलिमेंट है उनके बीच, पूरे का सम फाइंड करो कितना आएगा, 9 प्लस 4 14 14 और 9 23 23 प्लस 6 29 30 और 35 35 और 9 44 4 कैरी 4 2 6 और 1 7 74 ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, समेशन समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 74 ठीक है। ये 74 आ गया, और हमें क्या फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करना है, तो वेरिएंस इक्वल टू 1/8 पहले फार्मूला आप लिख लोगे, वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू ये है, उसके बाद 1/8 इनटू इसकी वैल्यू कितना है 74, तो आप डिवाइड कर दो 74 डिवाइडेड बाय 8, तो उसे कैंसिल हो जाएगा, 9.2 2 3 7 स्टैंडर्ड डेविएशन तो ऐसे नहीं पूछ रहे, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता तो इसका क्या निकालते हैं, अंडर रूट।
याद है इसका अंडररूट निकालना? यस सर। लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है? क्वेश्चन करेंगे, नहीं आएगा तो फिर समझा देंगे। सर इधर से अंडररूट निकाल सकते हैं? किसका? इसका अंडररूट निकाल सकते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग पूरे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे।